अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैंगो डिलाइट की रेसिपी। ये बहुत ही इजी एंड क्विक बनने वाला डेजर्ट है मैंगो डिलाइट। आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिए। मैंने दो मैरी बिस्किट लिए थे, उनको मैंने पीस लिया है। देखें, पाउडर बना लिया है। दो हाफ रोल लिए थे मैरी बिस्किट के। इसके अंदर मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून मेल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको बाइंड करेंगे। जब ये अच्छी तरह बाइंड होना शुरू हो जाए, बस आप मेल्टेड बटर को रोक देंगे। तरह मिक्स कर लें। मैंने 4 टेबल स्पून इसमें पूरा डाल दिया है। ये देखें, अच्छी तरह मिक्स हो गया है। ये देखें, अब ये बाइंड हो रहा है। ये देखें, मैंने मैंगो जेली पहले से रेडी कर ली है, लेकिन मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ। तरीका ये है कि सॉस पैन में 1 कप पानी लें, पानी को बॉयल करें। जब पानी बॉयल हो जाए, जेली का पैकेट, पूरा पैकेट इसके अंदर ऐड कर दें और इतनी देर पकाएं कि उसके क्रिस्टल ख़त्म हो जाएं, ठीक है। फिर इसको ठंडा करके जिस चीज़ में भी आप जेली को जमाना चाहते हैं उसमें डाल के रख दें, और फिर जब जेली जम जाए तो इसको इस तरीके से काट लें। मैंगो डिलाइट बनाने के लिए मैंने हैवी क्रीम ले ली है, 400 ग्राम है ये। इसको मैं बीट करूँगी। वन फोर्थ कप मैं इसमें पिसी हुई शुगर ऐड करूँगी और इसको दोबारा से बीट करूँगी। टू मिनट्स इसको मैंने बीट किया है। अब मैं इसके अंदर 1 कप मैंगो प्यूरी ऐड करूँगी। देखें, अब मैं इसको दोबारा से बीट करूँगी। तमाम चीज़ें बीट हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर मैंगो चंक्स ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 आम था ये, मैं इसके मैंने क्यूब में कट कर लिया छोटे छोटे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके अंदर हाफ जेली ऐड कर दूंगी। हाफ को हम डेकोरेशन के लिए बचा लेंगे। तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसकी असेंबलिंग करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर मैंगो एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने शुगर ऐड करी है इसके अंदर। अगर आप चाहें तो कंडेंस मिल्क ऐड कर दें। क्रीम को बीट करूंगी। मैंने लिया है 1/2 कप विप क्रीम। 1/2 कप विप क्रीम को मैं बीट कर रही हूं। पहले लो स्पीड पे, फिर इसको हाई कर देंगे। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर मैंने इसके अंदर ऐड की है तकरीबन 1/4 कप। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डाल के दोबारा से बीट करूंगी इसको। ये देखें, क्रीम बीट हो गई है। अब मैं इसको पाइपिंग बैग में भर लूंगी और इससे डेकोरेशन करेंगे। तमाम चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब इसकी असेंबलिंग करेंगे। असेंबलिंग करने के लिए सबसे पहले मैं इसके अंदर ये बिस्किट का जो चूरा है ये बिछाएंगे। इस तरीके से इसको प्रेस कर देंगे। इसके ऊपर मैंने ये तैयार किया था जिसमें मैंगो चंक्स और जेली डाली थी, इसको पोर करेंगे।
मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम डाली थी, उसको इस तरीके से पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे करके इस तरीके से। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह डेकोरेट कर सकते हैं। चारों तरफ इसके डिज़ाइन बनाऊंगी। ये देखें, चारों तरफ मैंने इसके डिज़ाइन बना दिया है। अब सेंटर में मैं इसके मैंगो चंक्स रखूंगी इस तरीके से। सेंटर में मैंगो चंक्स के कॉर्नर्स पे जो है डिज़ाइन बना दूंगी मैं। सेम डिज़ाइन बना रही हूँ मैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।